यहां पर भी ट्रेसेस बहुत ही कम, तो फिर है कहां? पैनक्रियाटिक जूस। क्या वहां पे हमने लाइपेज लिखे थे? Yes. आपको याद है? वेरी yes. गुड। अब समझा एवरीवन? गुड। तो ये रहे उसके एंजाइम्स, किसके? इंटेस्टिनल जूस के। अब तो समझा होगा कुछ, आगे बढ़े? पक्का? ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हुआ मैकेनिकल और केमिकल की प्रोसेस से। मैकेनिकली मतलब चीविंग किया, और फिर उसके ऊपर केमिकल का एक्शन हुआ, मतलब कौन सा? वेरी गुड। ओके, ये हो गया। फिर बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? दो फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन? फूड एंड फैसिलिटेशन बाय सॉलोविंग, फैसिलिटेड बाय सॉलोविंग। ओके, अब देखो ये बोल रहा है कि जो बकल कैविटी है उसके अंदर दो मेजर फंक्शन है। एक तो आप उसको चबाओगे, तो चीविंग को क्या बोला है? चीविंग को क्या बोला है? मैस्टिकेशन। करने के बाद में क्या करते हैं हम? सॉलोविंग। तो सॉलोविंग के लिए वर्ड क्या है? डीग्लूटिशन। क्या कहते हैं? आगे आएगा। अब टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। मतलब अच्छे से अगर आपको फूड को मिक्स करना है तो वो कौन करेगा? टंग। आप इधर खाना चबाते हो, इधर को उठा के इधर रख देते हो, ऐसा होता है ना? टंग से करते ना वो, इधर के दांत निकल के इधर आते, टंग से करते हैं ना हम तो वो, तो हाँ ऐसा होता है ना? हाँ, ये सब टंग का काम है। मतलब ये भी पूछते हैं कि बताओ आपके बगल कैविटी के अंदर ब्रशिंग ऑफ टीथ को कौन करेगा? तो ब्रशिंग को मतलब दांतों पे झाड़ू लगाने का काम कौन करता है? टंग। खाना वाना खाने के बाद ऐसे करते ना हम, अच्छा खाना था ऐसे करके, तो वो क्या है? ये ब्रशिंग का काम है कर रहा है। कौन? टंग। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स कौन करेगा? यस, टंग। आपके फूड को सलाइवे के साथ अच्छे से थोरूली कौन मिक्स कर रहा है? याद रहेगा? yes. एक बात बताओ, लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? yes. कौन कर रहा है? yes. कौन कर रहा है? yes. कौन कर रहा है? yes. कुछ लोगों ने आंसर चेंज कर दिया था। yes. कुछ लोगों ने आंसर चेंज कर दिया था। म्यूकस क्लियरली लिखा है कि म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर का म्यूकस हेल्प कर रहा है। सलाइवा के अंदर का म्यूकस हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड अधेरिंग दी मैस्टिकेटेड फूड। मतलब ये बोल रहा है, देखो सबसे पहले लुब्रिकेशन पता है ना, फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन अभी हो रही है। अगर मैं बीच में थोड़ा सा ऑयल डाल दूं और अगर फिर ऐसे करूं तो हाथ फिसल जाएगा, फ्रिक्शन होगा कैसे? नहीं, तो वो हो गया लुब्रिकेटिंग। मतलब फ्रिक्शन नहीं होने देगा, लुब्रिकेटिंग हो जाएगा, आसानी से इससे स्लिप होके आगे बढ़ेगा फूड। एक बात। दूसरी बात, जो चबाया हुआ फूड है, क्या बोला? कौन सा फूड? मैस्टिकेटेड फूड। कौन सा फूड? मतलब ऐसा फूड जो आपने चबा लिया अच्छे से, वो फूड को चिपका देता है। मतलब चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट खोला, देखा आसपास दोस्त तो नहीं है, नहीं है, अभी खाने का सही टाइम है, हाथ डाला निकाल दिया, पूरा हूं मैं। अभी पार्टिकल अलग अलग है, सारे चिप्स अलग अलग है ना, फिर क्या करेंगे? ऐसे करके पूरा चबा लिया। चबाने के बाद में बस सॉलो करने से पहले क्या है, वो पूरा मिक्सअप हो गया है ना। जब आपने निकाल के खाया था तो अलग अलग थे, लेकिन अब सॉलो करने के पहले पहले क्या है, वो सब ऐसे जुड़ गए एक दूसरे से। तो एक दूसरे से मतलब क्या हो गए? अधेर हो गए। तो कौन अधेरिंग कर रहा है? म्यूकस। किसके अंदर का? तो म्यूकस इन द सलाइवा परफॉर्म्स कितने फंक्शन? एक, दूसरा अधेरिंग। समझ ला सेल एवरीबॉडी? ओके, तो फिर बन गया बोलस। उसे क्या कहते हैं? बोलस। देखो आम भाषा में अगर मैं इसका हिंदी में उच्चारण करूं तो ऐसा होगा, चबाया हुआ खाना जो आपके ओरल कैविटी में हो। अब ओरल कैविटी का मेरे को नहीं आता, तो बोलेंगे सर ओरल कैविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बगल कैविटी। तो चबाया हुआ फूड
जो आपके ओरल या बकल कैविटी में हो उसको लुब्रिकेशन और अधेरिंग करके बोलस बना दिया. क्या बना दिया? बोलस. समझा? इतना क्लियर है? ओके. अब बोलस जो है वो कहां जाएगा? फैरिंग्स में, क्योंकि ईसोफेगस में जाने के लिए फैरिंग्स से जाना पड़ता ना. Yes. इधर से ऐसे डाल, इधर डाल देते खाना. इधर से नहीं जाता. बोलस इज देन कन्वर्ट इनटू द फैरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस. सॉलोविंग को क्या कहते हैं? सॉलोविंग को क्या कहते हैं? डीग्लूटेशन. ठीक है, बोल रहा है कि बोलस फर्दर पास थ्रू द ईसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज पेरिस्टाल्सिस. विच प्लेक्सस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द पेरिस्टाल्सिस? और बैक प्लेक्सस. वेरी गुड. थोड़ा सा जल्दी आना था आंसर, एक मिली सेकेंड जल्दी आना चाहिए था. आंसर आया, गुड. और बैक प्लेक्सस प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? सब मस्क्यूलरिस. क्योंकि सब म्यूकोसा में तो कौन होता है? मीजनस प्लेक्सस. वेरी गुड. गैस्ट्रो इसोफिजियल स्पिंक्टर ऑल्सो नोन एज? लोअर इसोफिजियल स्पिंक्टर ऑल्सो नोन एज कार्डियक स्पिंक्टर. कौन सा स्पिंक्टर? कंट्रोल्स दी पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक. फिर सलाइवा सिक्रीट कर रहा है ओरल कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर कौन है? ये क्या कर रहा है? ये कोफैक्टर किसके, कौन से एंजाइम के लिए? अमाइलेज. कौन सा? पैनक्रियाटिक. अरे सलाइवा है ना, ये सलाइवा में होता ना ये. पक्का? ओके. और ये है बाइकार्बोनेट. क्या ये? तो फिर ये कोफैक्टर किसके लिए? सलाइवरी. ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ऑल्सो नोन एज टाइलीन. क्या कहते हैं उसे? टाइलीन. पी टी वाई टाइलीन, पटाइलीन नहीं, टाइलीन. इसको ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज बोला एंटी बैक्टीरियल. एंटी अंकल बैक्टीरियल. एंटी अंकल बैक्टीरियल याद रहेगा बेटा? नहीं रहेगा? मैं तो परसों के दिन मिलूंगा तुमसे, क्योंकि टेस्ट कल हो जाएगी और फिर परसों फिर पकड़ूंगा मैं, बोलूंगा अब बता, क्लास में तो बहुत फड़फड़ा रहा था. इधर देख बेटा, इधर इधर देखने के पैसे है, कहां देख रहा है तू? आंखें निकाल लूंगा तेरी. हंस भी रहा है. निकाल दो सर. दिख रहा है क्या? ओके. द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन. हाइड्रोलाइटिक ये पढ़ा नहीं ना हमने, कोई डायग्राम पे लिखा भी नहीं हमने. कब? फर्स्ट डे फर्स्ट शो. डायग्राम की डेफिनेशन लिख रहे थे. डायग्राम की डेफिनेशन ड्रॉ कर रहे थे. कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे थे. उसमें एंजाइम को प्लस किया H2O और फिर ऊपर लिखा था हाइड्रोलाइसिस, मतलब हाइड्रोलाइटिक एक्शन. समझ लो असेल? अच्छा, सलाइवरी अमाइलेज ऑल्सो नोन एज टाइलीन, ऑल्सो नोन एज रॉन्ग आंसर. लाइसोजाइम तो एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को कट करने का काम करेगा कौन? लाइसोजाइम. लेकिन सलाइवरी अमाइलेज ऑल्सो नोन एज. वेरी गुड, रॉन्ग आंसर. कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम ऑल्सो नोन एज एनसीआरटी. समझ लिया सेल? पक्का? किसी को कोई डाउट? एकदम पक्का समझ रहा है? जिसका एनसीआरटी का एक एक वर्ड बाय वर्ड क्लियर है और जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ के समझ जाती है, उसके कल फुल मार्क्स आने वाले हैं. यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस किया गया है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आई थिंक 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस यू कैन गेट इन दिस चैप्टर. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? रेज योर हैंड. एक बार हाथ ऊपर करो कि सर हम और चैलेंज करते हैं, डबल चैलेंज. 50
50 दूसरे चैप्टर से आएंगे ना, वो कौन सा पढ़ा आपने बॉटनी का, कोई नहीं पढ़ेगा? ओके नहीं आएंगे फिर? तुम बताओ पहले 50 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट करोगे? 50 के 50? 40 वालों को तो बहुत मारूंगा मैं, 40 तो बोलना ही नहीं, ठीक है 45 ठीक है, लेकिन पहले से रो रहा तू, उम्मीद तो रख कम से कम कि नहीं 50 मिलेंगे, है ना, लेकिन 45 वालों को जिंदा छोड़ दिया जाएगा। यस, उनको जीने का हक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अपनी डील समझ में नहीं आ रही है तुम लोगों के, अपनी डील क्या है, या तो मेरे को पागल कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अपना करियर बर्बाद कर लो। बोलो कर देंगे ना, मेरा मतलब है इतने क्वेश्चन पूछो, अगर नहीं समझा तो दो ही ऑप्शन होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में, जहां तक मेरे को पता है दो ही ऑप्शन, ये टीचर पढ़ा रहा ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मेंटल पीस खत्म। अगर हमें नहीं समझा तो, हाँ समझ गया फिर भी ऐसा, एक बार फिर ऐसा नहीं रे, नहीं समझा तो की बात है। ओके अब सुनो, सुन रहे हो क्या? ठीक है, अब यहां से फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब कौन से एंजाइम क्या करता है, कहां पे क्या डाइजेस्ट होता है, ब्रेकडाउन कहां हो रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, प्रोटीन का क्या हुआ, अमीनो एसिड का क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड का क्या हुआ, है ना, ये सब चीजें जो भी है, तो फैट वगैरह का क्या हुआ, कैसे एब्जॉर्ब हुआ, कैसे कहां से कहां चला गया, ओके कौन से ग्लैंड का एंजाइम इसको कट करेगा, कौन से ग्लैंड का एंजाइम आके एक्टिवेट करेगा, सब एवरीथिंग। समझा? एकदम पक्का? ओके ठीक है, इतना सबको क्लियर है? ओके अब आगे बढ़ेंगे। इमेजिन करो कि आपके पास एक समोसा है, हैं? बोलना है बेटा, बोलो बेटा समोसे बोलो, अब बोलो जल्दी, मेरे को बोलने भी नहीं दे रहा, समोसा खिला रहा था मैं, अब समोसा बना दिया ना मैंने, हाँ सुनो, सबके पास एक एक समोसा है। अब हुआ ये कि अब क्लास हुई, क्लास के बाद में फिर और क्लास है, तो अब टीचर के बाहर, तो आपने सोचा तब तक समोसा निपटा देते हैं, आपने क्या किया, आपने लिया समोसा और एक बाइट लिया, टीचर होगा तो आप क्या करोगे, अब समोसा चुपचाप टिफिन में वापस बंद करके रख दिया, लेकिन अब ये थोड़ी निकाल के डाल सकते, ये तो गड़बड़ हो जाएंगे ना, बॉयज ने इमेजिन भी कर लिया, करते होंगे, हाँ बोल रहा है, अरे ऐसा मत करो रे, ठीक है ठीक है, तो अब वो जो है उसको तो चबा लेना पड़ेगा ना, ठीक है, अब आपने मैस्टिकेशन किया, डीग्लूटिशन किया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि डीग्लूटिशन करने से पहले क्या आपने जो समोसे के अंदर का आलू था वो 100% डाइजेस्ट कर दिया? कितने परसेंट किया? कितने परसेंट किया? कितने परसेंट किया? 30% ही डाइजेशन होता है, जितना भी आपने एक निवाले में खाया उसका 30% ही डाइजेस्ट होता है, लेकिन ऑब्वियसली आपने स्टार्च खाना चाहिए, ठीक है, क्या खाना चाहिए? स्टार्च। तो आलू के अंदर क्या होता है? स्टार्च, बिल्कुल स्टार्च होता है, स्टार्च इज द एनिमल पॉलीसेकेराइड, राइट, या प्लांट पॉलीसेकेराइड, स्टार्च कौन बनाता है? एनिमल बनाते हैं क्या? लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज हो गया, जैसे कि हमने कहा था जब हम पढ़ रहे थे अल्फा बीटा सेल और डेल्टा सेल का सिक्रीशन, मैंने कहा था अगर बॉडी के अंदर ज्यादा ग्लूकोज हो जाए तो बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, समझा? तो एनिमल का पॉलीसेकेराइड क्या हुआ? ग्लाइकोजन। प्लांट ने क्या बनाया था? तो फिर प्लांट का पॉलीसेकेराइड क्या हुआ? इतना क्लियर है? बोलो। ओके ठीक है, देखो फिर
ये बोल रहा है 30% जो है स्टार्च का डाइजेशन का होगा बकल कैविटी में, ओके मतलब कितने पीएच पे, 6.8 पीएच पे, ओके 6.8 पीएच होता है बकल कैविटी में। दूसरा सलाइवरी अमाइलेज उसको कट करेगा, किसको, स्टार्च को, और स्टार्च को कट करेगा तो क्या बनाएगा, माल्टोज। लेकिन मान लो आपके पास में आपने जो खाया था वो आलू के अंदर 100 स्टार्च मॉलिक्यूल्स थे, तो बताओ कितने स्टार्च मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए माल्टोज में, ओनली 30, तो कितने बचे हुए, तो वो 70 मॉलिक्यूल, दैट मींस 70% ऑफ द स्टार्च विल गेट कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज इन, यस दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, समझे, यस। बाकी का जो है सब कुछ कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। देखो ये बोल रहा है फिर इनटू द डाइसैकेराइड माल्टोज, ये क्या था, पॉलीसैकेराइड, ये क्या है, डाई मतलब, सैकेराइड मतलब शुगर, अभी देखा तो दो शुगर डाइसैकेराइड में कन्वर्ट किसने किया इसको, सलाइवरी अमाइलेज कितने पीएच पे काम करेगा, अच्छा, और पैनक्रियाटिक अमाइलेज कितनी पीएच पे काम करेगा, 7.8, समझ गए, ओके। फिर लाइसोजाइम प्रेजेंट इन दी सलाइवा एक्ट्स ऑन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल मतलब क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को कट कर देगा, समझा, पक्का, ठीक है, ओके ठीक है। देखो हमारी जो कहानी थी वो शुरू हुई थी ऐसे करके, बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर हमने क्या कहा था, क्या होगा, क्या बना था, बोलस बना, ओके बोलस। फिर बाद में ये फैरिंग्स होता है, ये रीजन फैरिंग्स, और यहां पे होता है फूड पाइप, कौन सा पाइप, ईसोफेगस, फूड पाइप को क्या कहते हैं, ओके ईसोफेगस, ईसोफेगस बाद में यहां पे आके बन रहा है स्टमक, है ना। फिर सी शेप का क्या बनता है, तो स्टमक में जब ये फूड आएगा, ठीक है, ये जो है इतना, ये स्टमक में, यहां पे स्टमक में आ गया, इसे क्या कहेंगे, काइम, क्या बोलेंगे, ओके अब देखो ये यहां पर आ गया, मतलब ये कौन सा स्पिंक्टर है, इसको ओपन करके यहां पर आ गया, अब यहां पे अगर फूड है तो इसको क्या बोलेंगे, काइल, पक्का, ठीक है। अब ऐसे करते करते फिर ये क्या होगा, मतलब फोल्डिंग स्टार्ट हो गई, फिर बहुत ज्यादा हाईली फोल्डिंग होगी, है ना, ये हाईली फोल्डिंग इलियम, ये कम फोल्डिंग जेजुनम, और ये सी शेप ड्यूओडेनम, फिर बाद में ऐसी ला इंटेस्टाइन, है ना, ऐसे करते करते, समझा गया, फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि ऐसे रेक्टम होगा और वहां से फिर मटेरियल जो है बाहर, समझा, इतना क्लियर है। लेकिन जो मटेरियल ला इंटेस्टाइन में स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम, काइल, फीकल मैटर जो रेक्टम में स्टोर होता है वो क्या है, या फिर फीसिस, ठीक है, इतना क्लियर है, पक्का एकदम, ये समझा गया। तो आप मेरे को स्टेप समझा सकते हो, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, या भूल गए, बता सकते हो, चलो ठीक है। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले क्या होगा, डाइजेशन, क्या होगा, डाइजेशन के लिए खाना तो खाना चाहिए ना, तो पहले खाना तो खाओ, इंजेशन, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, इंजेशन, खा लिया, इंजेशन मतलब एंगल्फिंग ऑफ फूड, फूड को खाना इज इंजेशन, मैं इजेशन नहीं बोल रहा हूं या फिर इंजेक्शन नहीं बोल रहा हूं, समझा गया, अलग अलग बातें, इंजेशन बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इंजेक्शन बोल रहा हूं क्या, खाना इंजेक्ट करते क्या हम, नहीं, खाना खाते ना, यस, तो एंगल्फ करने के लिए वर्ड है इंजेशन, और इजेशन वो अलग है, वो लास्ट में होता ना, हाँ, इंजेशन, फिर बताओ, अब इंजेशन तो कर लिया, अब तो डाइजेशन करना पड़ेगा ना, लेकिन खाना चबाया था तो क्या बोला था, क्या बोला था, मैस्टिकेशन, अच्छा, और यहां से, यस, क्या हुआ, डिग्लूटिशन, मतलब ये कौन सी ओपनिंग, किसकी ओपनिंग है, ईसोफेगस की, क्या बोलते हैं, गलेट में क्या होगा, डीग्लूटिशन, क्या होगा, पॉइंट नंबर टू, डाइजेशन,
क्या होगा? डाइजेशन. अब बताओ. एब्जॉर्प्शन. वेरी गुड. व्हाट इज एसिमिलेशन बेटा? तुम बताओ. समोसा. समोसे को बोलने दे. रुक बोल बेटा. ऐसा है. तुम्हारा नाम क्या? ओरिजिनल अमान. ठीक है अमान, मेरी बात मान. ऐसा है कि इफ यू वॉन्ट टू एक्ट एज यू वॉन्ट टू, सो यू हैव टू ब्रिंग द मार्क्स आई वॉन्ट टू. समझा? जितने मार्क्स मुझे चाहिए आपसे, अगर आप उतने मार्क्स लाके देते हो तो मैं आपकी सारी गलतियां इग्नोर कर दूंगा. सात खून माफ. यस. अपना थोड़ा सा ऐसे ही है.